जी ओके जी। इसको ऑन करना है, ऑन है पहले। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हम हफ्तावार बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है हाउसिंग के ऊपर, उसके ऊपर आपके साथ शेयर की जाती है अपडेट हर हफ्ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले का तसलसल है जिसमें आपके साथ मैं बहुत सारी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, शायद ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लगातार इस सिलसिले की। वैसे ऑफ एंड ऑन तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, लेकिन इन पहली दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की निस्बत इसमें मैं आपके सामने और भी ज़्यादा बड़ी और अच्छी खबरें, अच्छी डिवेलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ मैंने शेयर करना है, नंबर वन, वो आवाम को बताने के लिए कि आवाम की समझ के लिए कि हाउसिंग के अब जो सेक्टर है उसमें होने क्या जा रहा है। तो जो हाउसिंग का सेक्टर है उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने की है या जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमने की है वो की है कि हमने मॉर्गेज का जो निज़ाम है उसमें हम तब्दीलियां लेके आए हैं, उसमें हम बेहतरी लेके आए हैं। अगर आप याद करें और सोचें कि आप सबके साथ ये हो चुका है और आप सब इस मरहले में से गुजर चुके हैं, आपके पेरेंट्स खसूसन, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो भी, आपको याद करें कि जब आपने घर पे टेलीफोन लगवाना होता था और मोबाइल फोन का जमाना नहीं था तो उस टेलीफोन के लिए क्या करना पड़ता था, एक लम्हे के लिए याद कीजिए। आपको याद होगा कि जो गांव थे, बड़े बड़े कस्बे थे, उन तक अब से 15-20 साल पहले तक, 20 साल पहले तक टेलीफोन की सहूलत वहां पर नहीं थी। और जो लैंडलाइन टेलीफोन थे उसके लिए जब इंतखाबी नुमाइंदे इलेक्शन लड़ते थे तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होती थी कि हमारे इलाके में टेलीफोन की एक्सचेंज बने। आप में से कुछ लोग छोटे हैं, उनको शायद याद नहीं होगा कि पूरे गांव में एक एक्सचेंज बनती थी और एक ही नंबर होता था, जो आपका मोबाइल नंबर है उस तरह का नंबर पूरे एक गांव को मिलता था। और फिर वहां पर वो नीडल लगाने वाली एक एक्सचेंज होती थी आपके नंबर से निकाल के दूसरे नंबर में, और सारी बातें वो ऑपरेटर साहब सुन रहे होते थे बैठ के, और वो बीच में बोलता भी था कि अब आप बस करें, आपकी कॉल लंबी हो गई है, किसी और ने कॉल करनी है। आपको याद होगा ये सारी बातें, ये कोई जमाना कदीम की बातें नहीं है, ये आज से 25-30 साल पहले की हम जिन चीजों में से गुजरते आए। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? क्या हुकूमत ने आप तमाम लोगों को मोबाइल फोन लेके दिए? किसी भी हुकूमत ने क्या हर शख्स को सिम कार्ड हुकूमत ने दिया? नहीं, एक एनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट किया, उस एनेबलिंग एनवायरमेंट से इन्वेस्टमेंट आई। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट क्योंकि नहीं आई तो शुरू में ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। अब दूसरे मरहले में से तो आप में से हर शख्स गुजरा है, मुझे इस बात का पता है, और वो मरहला था जब आप 20 से 25 हजार, शायद इससे भी ज्यादा पैसों की सिम खरीदा करते थे। एक सेलुलर कंपनी ने फिर आगे थोड़ी सस्ती सिम दी तो आपको याद है कि F7 के अंदर दो दो दिन लंबी लाइनें लगती थी वो सिम कार्ड लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये सारा सेक्टर आपके सामने पिछले 15 साल में, 20 साल में इवॉल्व हुआ, और आज हालत ये है कि आप में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक सिम कार्ड हो। अब भले आप इस्तेमाल एक करते होंगे लेकिन लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे आपके नाम पे एक से ज्यादा सिम कार्ड रहे होंगे। ये है आपको बात बताने की कि जब आप एक सिस्टम को इवॉल्व कर देते हैं, जब आप एक सिस्टम को दुरुस्त कर देते हैं, तो पहले आप सबको पता है कि एक टेलीविजन होता था PTV, जो चलना है उसी पे आपने देखना है। फिर मीडिया का सिस्टम इवॉल्व हुआ और वो शुरू में उसकी बहुत सारी लोगों को तकलीफ हुई कि जी ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन फास्ट हो गई, आप लोग नापसंद हुए बहुत सारे लोगों को। उसके बाद क्योंकि ये तो एक तरक्की का सफर है, ये जारी रहना है, उसके बाद आपके सामने सोशल मीडिया आया तो आपके बहुत सारे दोस्तों को बुरा लगा कि ये अब क्या हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया ने भी अपनी जगह बना ली है, आप में से ही बहुत चेहरे वहां पर, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से
आपने सिस्टम्स को रिफाइन करना होता है, सिस्टम्स को रिवॉल्व करना होता है, माफ कीजिएगा, और आपने सिस्टम्स को बेहतर करके अवाम के लिए वहां पर सहूलत पैदा करनी होती है, उसके बाद सारा कुछ अवाम खुद उठा लेती है। मसलन मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं, अमेरिका में तकरीबन उनकी जीडीपी का, उनका उनकी जो तमाम लैंडिंग है उसका 80% से ज्यादा जो है वो हाउस मॉर्टगेज में है। स्कैंडिनेविया में तकरीबन 100 के करीब है, और इंडिया में भी 12% है जो हाउसिंग मॉर्टगेज के ऊपर है, और अगर आप पाकिस्तान के नंबर देखें तो ये 1% भी नहीं है, बल्कि 0.5% भी नहीं है, ये बहुत ही छोटी अमाउंट जो है वो हाउसिंग के ऊपर जाती है। किसी भी मुल्क में वो कितना भी अमीर हो, ये बात याद रखिएगा, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो यकमुश्त पैसा दे के अपना घर किसी भी मुल्क में नहीं बना सकते, वो भले अमेरिका हो, यूके हो। ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है पूरी जिंदगी की, इसके लिए आपको किसी ना किसी किस्म का लोन, किसी ना किसी किस्म की फैसिलिटी चाहिए। माफ कीजिएगा, अब आप सब दोस्त, इंक्लूडिंग शायद मैं भी, आप हम सब लोगों का जब हम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। किसी भी शख्स को कहें कि लोन ले लें तो अक्सर जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो इस तरह का है कि अल्लाह ना करे मुझे लोन लेना पड़े, मैं अपने पैसों से बना लूं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये है कि उस प्रोसेस में उस इंसान को इतना तंग किया जाता है, उसमें इतनी हिडन कॉस्ट होती है, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि आप गाड़ी ले बैठे लोन पे या घर ले बैठे, आप पछताते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूं, क्योंकि अगर आपने 10 लाख वापस करना है तो आपका बिल बना होता है उसी 10 लाख का, 5 साल के बाद आपने 25 लाख वापस करना है। तो जो आम शहरी है वो इसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, 18%, 13% उसके ऊपर रखे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उसके ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो कहीं की कहीं बात निकल जाती है। तो ये था सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी मीडिया की या टेलीकॉम सेक्टर की, और अब हम आ रहे हैं मॉर्टगेज के ऊपर, के इसी तरीके से मॉर्टगेज का सिस्टम था कि आपके सामने नंबर रखे कि पाकिस्तान में कितना कम फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का, उसको पूरा करने के लिए जब तक एनेबलिंग एनवायरमेंट नहीं मिलना था, ये प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था, ये प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए नया पाकिस्तान जो हमारी अथॉरिटी है उसने अपने जुम्मे ये काम लिया, और मॉर्टगेज के कवानीन, मॉर्टगेज के जो केसेस थे जो कोर्ट्स के अंदर थे, उनको फास्ट ट्रैक किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 नहीं 1000 केसेस बैंक्स जो हैं वो मॉर्टगेज के अप्रूव कर चुके हैं। दो तरह से मॉर्टगेज हो रही है, एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, या प्राइवेट बिल्डर्स जो कर रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रही है, और दूसरा आपने अपना प्राइवेट घर बनना है तो उसके लिए भी मॉर्टगेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है कि आप जाके बड़े आराम से चंद डॉक्यूमेंट से, के आपको पिछली दफा मैंने उस पोर्टल के बारे में बताया था जो पंजाब में बन गया, केपी उसे इनिशिएट कर रहा है, कि आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहली बात हम सबके समझने के लिए यह जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो मॉर्टगेज के सिस्टम को हमने इवॉल्व किया है। इसी तरीके से जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक इनकलाब आया था, अब आप घरों के सेक्टर के अंदर एक इनकलाब देखेंगे, और जैसे टेलीफोन हुकूमत ने आपके हाथों में नहीं दिए, इसी तरीके से आपको घरों की फैसिलिटी तमाम होगी जैसे अमेरिका में है, दूसरे मुल्कों में है, क्योंकि आपने सिस्टम एनेबलिंग एनवायरमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। अब मैं आता हूं आज की जो सबसे बड़ी आपके साथ अपडेट शेयर करनी है इस सिस्टम के अंदर जो हो रही है, वो है पंजाब पैरी अर्बन हाउसिंग स्कीम। अक्सर जब बात होती है घर बनाने की तो आपने हमेशा सुन रखा है कि वो बात होती, कल भी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया ये 1980 से हो रहे हैं। बिल्कुल 1980 से हो रहे हैं, हम कब कहते नहीं हो रहे, ये 85 से आप कर रहे हैं, लेकिन जो वो हो रहा है और ये हो रहा है उसी में तो फर्क बता रहे हैं। उसका तो कल हमने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल सोशल मीडिया पे भी, कि किस तरीके से जब से आप आए, किस तरीके से आपने गुलबर्ग हो या जौहर टाउन हो उसमें अपने मंजूरे नजर लोगों को प्लॉट आपने रिश्वत में दिए,
उसमें बड़े बड़े सहाफी हजरात भी थे, उसमें बड़े बड़े सेठ भी थे, एमपीएस भी थे, लेकिन आम शहरी को कुछ नहीं मिला। और जब बात होती है वो बात होती है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, ज्यादा से ज्यादा फैसलाबाद की, कोई एक आध स्कीम अगर को मुल्तान में हो गई। तो जो दूसरे शहरी हैं पाकिस्तान के, क्या वो शहरी नहीं है? अगर आपने सिर्फ पेशावर, कोयटा, मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी इन्हीं शहरों में करना है तो छोटे शहरियों का इस मुल्क पे कोई हक नहीं है? एक आम गरीब आदमी का कोई हक नहीं है? तो ये जो पंजाब पेरी अर्बन स्कीम लेके आ रहे हैं, पेरिफ्री जो हमारे घरों में लोग बैठे हैं उनके समझने के लिए कि जो छोटे शहर हैं, जो शहरों से मुलहका आबादियां हैं, जो थोड़े से हटके मेन शहरों से इलाके में, उनकी बात कर रहा हूं, कस्बे हैं, तहसीलें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू में, पहले फेज में, मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ पहला फेज है और दूसरा फेज को लंबा नहीं होगा, चंद महीने में वो भी आ रहा है। पहले फेज में ये तकरीबन इंशाल्लाह 3000 कनाल के ऊपर 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। पंजाब की 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये 26 तहसीलें जो हैं ये 20 अजला के अंदर हैं। टोटल 36 जिले हैं पंजाब के। इसको स्ट्रेटजिकली पूरे पंजाब में फैलाया गया, राजनपुर तक इसको फैलाया गया, किसी बड़े शहर में नहीं रखा गया। तो ये 26 तहसीलों में शुरू होगा, 20 जिलों के अंदर ये 26 तहसीलें हैं और ये तकरीबन 3000 कनाल इसके लिए जगह मुख्तस की गई है। शुरू में 21,700 एप्लीकेशंस मौजूद है नया पाकिस्तान अथॉरिटी के पास। उनमें से पहले मरहले में 10,239 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और सबसे जो मजे की बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये घर जो है ये इंशाल्लाह बना के आपको पूरा रेडी घर 14 लाख रुपए में ये लो इनकम लोगों को दिया जाएगा। ये सरकारी मुलाजमीन को देने की स्कीम नहीं है कि एक महकमे को दे दिया। इसमें एक आम शहरी रेडी वाला, इसमें एक आम छल्ली बेचने वाला, छोटी करियाने की दुकान वाला, वो तमाम लोग क्वालिफाई करेंगे। ये 14 लाख रुपए में एक घर होगा। ये हजारों घर बनेंगे पहले फेज में, मैंने आपको बताया कि 26 तहसीलों में। और इन तमाम घरों को जब ये बन जाएंगे तो मॉर्गेज करके आपके हवाले किया जाएगा। 14 लाख का मतलब यह है कि आपकी महाना किस्त गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, जो गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट देनी है, जो वजीर आजम का प्रोग्राम है नया पाकिस्तान हाउसिंग का, आपको पता है कि पहले 1 लाख घर के अंदर 3 लाख रुपए हुकूमत ने देने हैं गरीब आदमी को। उसको निकाल के जब ये मॉर्गेज हम बनाते हैं तो ये 5,700 रुपए की किस्त बनेगी। आपका जो 15 से 20 साल की मॉर्गेज होगी उस पे ये 5,700, आपने पिछली बार आपको बताया था मैंने 14,000 रुपए की किस्त वाले मकानात जो बड़े शहरों में शुरू कर रहे हैं। अब बड़े शहर में तनख्वाह इतनी है कि आप 14,400 या 14,600 की किस्त दे सकें, लेकिन अगर आप एक छोटी तहसील की बात करें, कस्बे की, डजकोट की बात करें, फैसलाबाद के करीब, या मुरीदके की बात करें, या आप चीचावतनी की बात करें, तो वहां पर शायद लोगों की इतनी पसली नहीं है कि वो 14,000 की किस्त भी दे सकें। तो उसके लिए ये सरकारी जमीन एज अ सीड लेके आए हैं हम। अब सरकारी जमीन बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं मिलेगी, बल्कि सरकारी जमीन आम गरीब आदमी तक लेके जाएंगे और इतना छोटा घर बनाएंगे जो गरीब आदमी की जरूरत है, 2 कमरों का, 1 ड्राइंग रूम, 1-2 बाथरूम, ताकि ये मगरमच्छ उसे लेके अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल ना शुरू कर दें अगर बड़े घरों की तरफ चले गए तो। ये 10,239 एप्लीकेशन के ऊपर अप्रैल के पहले हफ्ते में काम शुरू हो रहा है। जब मैं कह रहा हूं काम शुरू हो रहा है तो ईंटें लगनी शुरू हो रही हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये कंसीव हो गया, अप्रूवल्स हो गई, इस प्रोजेक्ट में अप्रैल के पहले हफ्ते पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये पहला फेज है। इसकी जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसको जो स्टेयर करेंगे, उस कमेटी को चेयर करेंगे वो मखदूम हाशिम जवां बख्त हैं, जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बैंक ऑफ पंजाब इसमें पार्टनर है और ये स्कीम आप देखेंगे कि चंद महीनों के अंदर ये पंजाब की तमाम तहसीलों तक लेके जाएंगे। जितनी पंजाब की तहसीलें, 36 अजला हैं और तमाम तहसीलें हैं, हर तहसील में एक या एक से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे।
और ये प्रोजेक्ट वायबल क्या है कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपने पैसे से बनाएगी, जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको चाबी दी जाएगी, आपकी मॉर्गेज करवा के दी जाएगी, आप अपनी किस्त देना शुरू करेंगे, वो पैसा वहां से फ्री होगा क्योंकि मॉर्गेज हो जाएगा, उसी पैसे से अगला प्रोजेक्ट बनेगा और गवर्नमेंट को कोई घाटा नहीं पड़ेगा इससे। वो जो होता था कि कर्जों का बोझ आपने 2000 लोगों को घर दे दिए, बाकी 22 करोड़ के ऊपर कर्जों का बोझ लाद दिया आपने, और वो रोते थे कि हमें तो घर नहीं मिला लेकिन कर्जे का बोझ हम पे क्यों आपने लाद दिया है। तो ये एक तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मॉर्गेज का जो निजाम ठीक किया है उससे जो रेवोल्यूशन आना है पाकिस्तान में वो पहला बड़ा रेवोल्यूशन है, नंबर वन बात की आपने मैंने आपसे, और नंबर दो जो बात की वो ये की कि जो दूसरा रेवोल्यूशन है वो ये जो पेरी अर्बन हाउसिंग हम शुरू कर रहे हैं जिसमें, और ये इंशाल्लाह एनएलसी और एफडब्ल्यूओ जो हमारे कौमी इदारे हैं वो इन घरों को बनाएंगे शुरू में, ताकि हम स्टैंडर्ड भी एक मेंटेन कर सके, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेहतर स्टैंडर्ड की हो सके। अब आप लोगों ने भी पिछली दफा घर मांगे थे, याद है आपको, आपने प्राइम मिनिस्टर से भी, कल आप में से कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी हमें भी घर दें, तो आपके लिए भी एक मंसूबा आ गया है, मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए। ये फ्राश टाउन में एक मंसूबा आएगा, और ये मंसूबा जो है ये तकरीबन 27 लाख रुपए में एक बना हुआ अपार्टमेंट होगा, और इंशाल्लाह इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे जो उस ऑफ कोर्स ब्रैकेट में आते हैं, बड़े बड़े एंकर साहबान शायद ना कर सकें लेकिन मेरे जो रिपोर्टर दोस्त हैं वो कर सकेंगे। और ये 27 लाख में जो घर बनेगा ये भी एफडब्ल्यूओ एनएलसी बनाएगी। हम दोबारा चाहते हैं कि शुरू में गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दे और फिर प्राइवेट बिल्डर आए तो उसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़े, और ये एक मुकम्मल टाउन होगा जिसके अंदर अपनी तमाम फैसिलिटीज होंगी, और इसमें ये 4000 जो है ये अपार्टमेंट्स बना के आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में यहां भी ईंटें लगना शुरू हो जाएंगी। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं कि 10 साल बाद शुरू होंगे। तो ये फ्राश टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और सीडीए मिलकर कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो बिल्डिंग होगी वो हमें, जो हमारे कौमी इदारे हैं उनको दी जाएगी, ताकि इसमें हम एक ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि लोगों का एतमाद हाउसिंग के ऊपर और आए, और लोग प्राइवेट बिल्डर से भी खरीदना शुरू हों। जो नया पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंदर आएगा उसे वो तमाम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे और मीट करने पड़ेंगे, जैसे कि एनएलसी करेगा या एफडब्ल्यूओ करेगा या कोई भी सरकारी बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है या जो भी उसमें हेल्प कर रहा है। अब मैं आज का एक और बड़ा प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम आपके लिए आ रहा है। आपको बताया था कि जब आपकी कोई भी इंडस्ट्री उठती है, वो मीडिया की इंडस्ट्री हो, अगर आज मीडिया की इंडस्ट्री ना उठी होती तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं कि अगर मीडिया की इंडस्ट्री प्राइवेटाइज होकर ना उठी होती तो आज रिजवान साहब जो है वो कश्मीर में होते, उमर जट जो है वो अभी कहीं चौक आजम में होते, अब्दुल कादर कहीं बहावल नगर के करीब होते, समर अब्बास जो है वो भी कश्मीर में होते, और ये शायद दोस्त कोई और काम कर रहे होते, कोई और नौकरी कर रहे होते, लेकिन यहां इस्लामाबाद में इस इंडस्ट्री में ना होते। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के ऊपर फोकस किया तो दो फोकस थे, तीन फोकस थे बुनियादी तौर पर, लेकिन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस थे। सबसे पहला फोकस अपनी इकोनॉमी उठानी थी जिसके थ्रू अपने गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार को, मजदूर को आपने मजदूरी दिलानी थी और इकोनॉमी उठानी थी। दूसरा फोकस जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो हमारे ऊपर था कि हमने किसी ना किसी सूरत अपने जो लोग थे, हमारे जो इन सारे सेक्टर्स के अंदर इंजीनियर इस्तेमाल होता है, प्लंबर इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट इस्तेमाल होता है, बिल्डर इस्तेमाल होता है, जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उनको हमने कैसे उठाना था, यह दूसरा इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने था। पहला ऐलान मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा ऐलान मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो रूडा रिवर रावी प्रोजेक्ट है हमारा लाहौर में, उसके लिए पहले फेज में हम 2000 यूनिवर्सिटी के यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंप्लॉय करने जा रहे हैं। ये यंग फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे ये ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में से होंगे,
ये इंजीनियर भी होंगे, ये यंग ग्रेजुएट्स जो हैं ये आर्किटेक्ट भी होंगे, ये टाउन प्लानर भी होंगे, वो जो नया शहर बनने जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी वहां एक्टिविटी होनी है उनके अंदर हम इनको एम्प्लॉय करेंगे। अब क्या इसका मकसद लोगों को रोजगार देना है? जी बिल्कुल, इसका एक मकसद लोगों को रोजगार देना है, लेकिन इसका बड़ा मकसद अपनी कौम के अंदर हजारों लोगों की ट्रेनिंग करना है ताकि उन्हें रोजगार भी मिले, यहां से उन्हें तनख्वाह भी मिले, और उसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हो ताकि जो अगले नए टाउन बनने, शहर बनने हैं, हाउसिंग सेक्टर ने आगे जाना है, यही जो वर्कफोर्स ट्रेंड होगी वो इस्तेमाल की जा सके आगे। आपको पता है कि जब मीडिया इवॉल्व हुआ तो 10-15 साल लगे लोग ट्रेन करने में पहले, और अब जाके मीडिया के पास एम्पल लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं, जो वो तमाम काम कर सकते हैं, तो हाउसिंग सेक्टर को भी ट्रेंड लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्टली एमओयूज करेंगे, यूनिवर्सिटीज को डायरेक्टली, यूनिवर्सिटीज पहले अपने मेरिट पे उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके इंटरव्यूज होंगे और उन्हें इंडक्ट किया जाएगा, और ये हर साल, ये एक साल के लिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उन्हें ट्रेन किया जाएगा, साल के बाद इन्हें रिलीव कर दिया जाएगा, ये अपनी प्राइवेट जॉब्स में जाएंगे और यूनिवर्सिटीज से पीछे से नए फ्रेश 2000 बच्चे जो हैं वो इस जगह पे हायर कर लिए जाएंगे, नौकरी दे दी जाएगी, ताकि अगले एक साल में वो ट्रेंड होके वो भी प्राइवेट सेक्टर में आगे शामिल होते जाएं। ये एक और बड़ी आपके सामने जो मैंने ऐलान करना था वो है। और तीसरा ऐलान आपके सामने ये है कि आपने पिछली बार भी आल्दो के हमने इंटरेस्ट रेट 13-12-11% से कम करके 7% और 5% तक लाए, अभी मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत जल्दी एक ऐलान करेगी जिसमें आपको नजर आएगा कि जो घरों के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान अथॉरिटी के अंदर जो घर हम गरीबों के लिए बनाएंगे वो हम उन रेट्स तक चले जाएंगे जो अमरीका में या दूसरे मुल्कों में है जहां पर कम तरीन रेट्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, ताकि इस सेक्टर को मुकम्मल सपोर्ट की जाए। ये सेक्टर उठेगा तो हमारा गरीब आदमी उठेगा, उसको मजदूरी मिलेगी और इसकी जो मलहका इंडस्ट्रीज है वो उठेंगी, और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज उठेंगी तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक आपको एक मैंने छोटा सा लाइट दिखाई है टनल के आखिर पे कि यंगस्टर किस तरह इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जब रूडा उठेगा तो आप सोचिए कि ये मिलियंस के अंदर वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सिर्फ एक शहर जो बनने जा रहा है तो उसके साथ जो दूसरी सारी कंस्ट्रक्शन की आपके पास एक्टिविटीज हैं, आप ये पैरी अर्बन का जो मैंने आपसे शेयर किया है, जो पहले 50 मिलियन स्क्वायर फुट, हमारे पास 101 मिलियन स्क्वायर फुट की एप्लीकेशंस हैं, और ये 50 मिलियन जो स्क्वायर फुट है इसका हम जो शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स, ये आपको नजर आएगा कि ये 50 मिलियन स्क्वायर फुट जो है ये इनके ऊपर भी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मिलेगी। तो ये था वो वादा जो प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ नौकरियों का भी किया था आपके साथ और 50 लाख घरों को भी किया था। और जो नादान और बेवकूफ लोग हैं जिनकी जिंदगी शुरू ही जौहर टाउन के प्लॉट बेचने और कमीशन में देने और किकबैक्स लेने में हुई थी, जिना टबरां दा स्टार्ट इन कामों पर हुआ था कि उन्होंने किस तरीके से हर सेक्टर में से लोगों को खरीदना है और उसके लिए सरकारी अराजी अलॉट करनी है, वो बेचनी है, वो अपने लोगों को देनी है और अवाम का माल खाना है, और वही गंदी आदतें पड़ी हुई हैं कि आज तक सरकारी अराजी के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है और उनसे हमें छुड़वाया जाता है। तो अगर आप देखें तो एक वो पाकिस्तान था और एक इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके अंदर आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सेक्टर को इवॉल्व कर दिया गया है। अब आप यकीन कीजिएगा कि 50 लाख घरों का नंबर भी थोड़ा आपको नजर आएगा अगले चंद सालों में। अगले चंद सालों में अब आप मुड़ के देखेंगे तो 50 लाख घर आपको एक बहुत छोटा नंबर नजर आएगा। कल जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया, ये अरस्तु साहब ने फरमाया ये पहले भी होता था, बिल्कुल होता था। आप अपार्टमेंट बनाते थे और फिर आप हाउसिंग के इंप्लॉयज को किराए पे देते थे वो अपार्टमेंट, वो सारी उम्र किराया दे के घर से बाहर जाते थे, घर उनका फिर नहीं होता था, आप सबको पता है इस बात का। कल पहली दफा ये हुआ कि उनको मालिकाना हकूक पे दिए और उसका बोझ भी हुकूमत पे नहीं पड़ा, क्योंकि वही किराया जो उन्होंने देना है वही किराया जो है
उसी की मॉर्गेज देंगे और वो घर के मालिक हो जाएंगे, उनको भी फायदा हुआ, पीछे आने वाले मुलाजमीन को भी फायदा हुआ और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ा, उसको भी फायदा हुआ। तो मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने बेहतरीन प्रोजेक्ट बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया और अगले प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं। तो ये हाउसिंग के सेक्टर के अंदर एक एवोल्यूशन था जो हमने किया है, ये इवॉल्व हो गया है। अब आपको इंशाल्लाह ये 50 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर अगले चंद सालों में बनता नजर आएगा, 1 करोड़ नौकरियों से बड़ा नंबर इंशाल्लाह इसी सेक्टर में आपको नजर आ जाएगा। बाकी सेक्टर्स को तो आप एक साइड के ऊपर छोड़ दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो सवाल आते मैं ले सकता हूं। देखिए दो बातें इस पे, तो पैमरा को जवाब देना चाहिए और पैमरा का ये एरिया है, पैमरा बिल्कुल इस पे जवाब भी दे। और आपका ये बड़ा दुरुस्त सवाल है कि एक चीज अगर होने वाली तो उसको इतनी देर से क्यों पैमरा ने रोका हुआ है। तो पैमरा है, पीटीए है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये फौरी तौर पर करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात आपने कही कि हमारी जब से गवर्नमेंट आई तो उसमें मीडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया, मैं इसको अदरवाइज देखता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे आप में से कुछ लोगों को जानता हूँ जो 50,000 रुपये कमाते थे और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अब वो 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट की वजह नहीं है, इसको अगर आप देखें तो ये एवोल्यूशन की वजह है। ये एवोल्यूशन वो है जब 1998 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी थी तो प्रोफेसरों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आया था। सरकारी यूनिवर्सिटी में 10,000 रुपया तनख्वाह होती थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया तनख्वाह होती थी या 70,000 होती थी। फिर प्राइवेट चैनल्स आए तो आपको याद होगा कि उसके बाद क्या एक इनकलाब आया। अभी इंडस्ट्री ने एक और अंगड़ाई ली है, जो हुकूमत हमारी हो या किसी और की हो, किसी को पसंद आए और किसी को ना पसंद आए, वो अंगड़ाई ली जा चुकी है। आपका एक आम टेलीविजन जितनी व्यूवरशिप एक घंटे में लेता है, अभी हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे पैमाने नहीं है जो जल्दी बन जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि आप में से बहुत सारे रिपोर्टर्स जब यूट्यूब पे वही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उतनी ही बराबर की व्यूअरशिप वो खींच रहे होते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री ने अंगड़ाई ली है, इंडस्ट्री के जमाने के अंदाज बदले गए, सो उसके हिसाब से हमने एडजस्ट होना है। चेंज को हम ऑलवेज रिजिस्ट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, वो एक नेचुरल फिनोमेनन है, वो रिजिस्ट किया जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि ये जो नई चीजें आ रही हैं इनके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट होगी, डिजिटल चैनल्स बनेंगे। अभी तो डिजिटल के ऊपर जो भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो फ्री था ना, आपने देखा। अब आके लोग अपने डिजिटल कंटेंट को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। अब आप किसी चैनल की वीडियो लगाएंगे तो वो आपसे उसका हिस्सा मांगेंगे या उसको बंद करवाएंगे। तो आपके हालात पहले से बेहतर हुए हैं अगर आप ओवरऑल देखें, लेकिन अब सेठों को भी सोचना पड़ना है कि वो सारा पैसा अपनी जेब में ना डालें जो डिजिटल मोनेटाइजेशन से आता है, उसी कॉन्टेंट पे आता है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं से नहीं आता, कॉन्टेंट आप ही का क्रिएशन है। तो उसमें से भी आपका हिस्सा दें, आपको ना सिर्फ जो चैनल को एडवर्टाइजिंग मिल रही बल्कि जो डिजिटल पे पैसा कमाया जा रहा है उसको भी, उस रिपोर्टर के तक उसका समर आना चाहिए जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया है। मुझे समझ आ गई, मुझे आपका सवाल समझ। अच्छा, पहले तो मैं जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में की वो आपको यही बताने की कोशिश की और आपने सवाल फिर वही किया तो मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा वो सारा कुछ कि ये 2 साल क्यों लगे। आपको यही बताया कि यहाँ कोई सिस्टम मौजूद नहीं था
उस सिस्टम को बनाना पड़ा। आप मुझे खुद बताइए कि एक हुकूमत है, एक हुकूमत 50 लाख घर बनाना चाहती है, 1 करोड़ बनाना चाहती है, 2 करोड़ बनाना चाहती है, 20 लाख बनाना चाहती है। आपको ये तो पता है ना कि हुकूमत के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर सरकारी मशीनरी में एक लिमिटेड कैपेसिटी होनी, नंबर होना है। वो तो शायद उस तरह से अगर आप एक डिपार्टमेंट को दें, एक महकमे को दें, तो अगले 50 साल में भी 50 लाख घर ना बने। उसके लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरमेंट बनाना पड़ना है, आपको पब्लिक सेक्टर को अंदर लेके आना पड़ना है। आपको क्या लगता है अगर हुकूमत चाहती तो पीटीवी की तरह के 100 चैनल बना लेती और वो चल जाते? लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर है तो चल रही है। अगर हुकूमत ही किसी मुल्क की चाहती, वो भले अमेरिका की हो, तो हर बंदे की जेब में मोबाइल फोन होता? नहीं, इस तरीके से ना होता। परफेक्ट कंपटीशन होता है, जो इकोनॉमी का एक स्टेटस है। अगर जब तक मोनोपोली है, जब तक हुकूमती कामों के थ्रू, ओलिगोपोली के थ्रू हो रहा है, या आप मोनोपोली के थ्रू कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती। इसके लिए नेबलिंग एनवायरमेंट होता। और वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी जगहों पे लड़े गए, जो वक्त वहां लगना था वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था। जैसे ही वो केसेस वहां से रिमूव हुए, उनका डिसीजन हुआ, आपके सामने है कि विद इन 2 to 3 months ना सिर्फ वो तमाम सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया, बल्कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी शुरू हो गया। रही बात आपने जो जर्नलिस्टों की बात की, देखिए जो हमारा गरीब तबका है ना, गरीब तबका हम हर उस शख्स को कहते हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, उससे कम 30,000, 20,000 कमाने वाला शख्स है। उनके लिए क्राइटेरिया बड़े सिंपल हैं और वो सब उनकी वेबसाइट्स पे हैं, वो सारी तफसील आपको वहां लेनी पड़नी है। तो क्राइटेरिया ऐसे बनाए गए हैं जिससे गरीब आदमी बगैर किसी डर के, बगैर परेशानी के जाके अपना घर ले सके, और उतने ही पैसों में, कोशिश ये की गई है कि जो वो किराया देता है उतने ही पैसों में वो किस्त दे के अपने घर का मालिक बन सके। जी अच्छा, एक तो इस सवाल से दो चीजें जी 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 किसी के पास प्लॉट मौजूद है पहले से, जी जी उसने सस्ता खरीदा, आज उसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा हो गई। बैंक के पास जाते हैं, वो कहते हैं 50 लाख का इसकी मालियत, हम इस पे लोन नहीं दे सकते। तो उस आदमी के इसका रसाइल नहीं कि वो अपना मकान खा सके, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो मोहतरमा, जो आपका सवाल है उससे एक चीज तो मीडिया की दुरुस्त साबित हो जाती है, मीडिया के दोस्तों की भी और हमारी भी, कि जब हम कोई चीज रिपीट करते हैं तो आप दोस्त कहते हैं अगली बात करें, ये तो आप बता चुके हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि तीनों सवालों को अगर आप देखें तो उससे ये बात वाजे है कि चीजें अभी और रिपीट होने की गुंजाइश है। वही बात जो 10 दफा हो चुकी उसको भी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें किसी का कसूर नहीं, ये पहली दफा हो रही है पाकिस्तान में, हम इसको कंसीव नहीं कर पा रहे। अगर मेरी ऑनरेबल बहन ने जो सवाल किया उस सवाल को भी देखूं तो उसकी बहुत सारी बातें मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, लेकिन उनका कसूर नहीं, ये चीज पहली दफा हो रही है, कॉम्प्लेक्स है। वो जानना चाह रही है कि इस इन मंसूबों में और पहले के मंसूबों में फर्क क्या है, ये तो पहले भी होता था, आप क्या नई चीज दे रहे हैं। तो जब कोई चीज रिपीट करते हैं तो उस पर थोड़ी माफी दे दीजिए कीजिए, ये समझ लिया कीजिए कि जब बात हो रही होती तो 10 दफा बात करने पर भी उसमें गुंजाइश मौजूद होती है उसकी और जहतें बताने की। तो इसका जवाब मेरा आपको यह है कि पहले कभी भी गरीब आदमी को मॉर्गेज नहीं मिलती थी। पहला फर्क यह है, गरीब आदमी को पहले 5-7% के ऊपर लोन नहीं मिलता था जो अफोर्डेबल हो और वो ले सके। गरीब आदमी जो सरकारी मुलाजिम नहीं, प्रूव नहीं कर सकता, कहीं कोलेटरल नहीं दे सकता, वो मॉर्गेज ही नहीं ले सकता था। गरीब आदमी को इतना सस्ता घर बना के पहले नहीं दिया जाता था। तो यह सब कुछ ही फर्क है, कोई एक चीज फर्क तो नहीं है इसमें। और एक ऐसा अनेबलिंग एनवायरनमेंट को, ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जिसके पास प्राइवेट सेक्टर आके भी घर बना सके और 3 लाख की जो सपोर्ट है वो उसको भी दी जा सके, गरीब आदमी को उसके थ्रू भी। ये पहले कुछ नहीं था, हुकूमत ऐलान करती थी। आपके 1996 में प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो कल जुल्फी बुखारी ने कंप्लीट किया है, वो कितने घर है? 1500।
आप सब इस चीज के गवाह हैं कि पिछले 10 साल में कितने घर बने होंगे इस्लामाबाद के अंदर सरकारी, चंद हजार। आबादी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कई लाख, राइट। ये फर्क है कि आपने इसे स्केल कर दिया। फर्क यह कि पूरे गांव में एक टेलीफोन का नंबर था, अब यहां 25 लोग बैठे हैं तो आपके नाम पे 100 सिम होंगी, 25 लोगों के 100 नहीं तो 50 तो होंगी। तो ये आपने स्केलिंग हमने की, हमने एनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट किया है। तो ये अगले चंद सालों में 50 लाख नहीं, बहुत घर बन जाएंगे, वो 3 में बनते, 4 में, 5 में, 2 में। लेकिन अब जब एनेबलिंग एनवायरमेंट आ गया, एक बिल्डर के पास जमीन है, वो आ रहा है हमारे पास, आपको बताया आपको कि हमारे पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो आना चाहते हैं, जिनके ऊपर काम होना चाहता है, पिछली मैंने आपको बताया था, और उसमें से 67,000 पे फौरन शुरू हो जाएगा जो जो मकानात हैं या अपार्टमेंट्स हैं 67,000 उन पे विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और वो क्यों, वो इसलिए कि अब एनेबलिंग एनवायरमेंट हो गया। आपकी बात देखिए, बात ये कि आप जब पॉलिसीज बनाते हैं तो एक खास 0.5% आधी परसेंट लोगों के लिए नहीं बनाते, ऐसे लोग बहुत कम होंगे, और वो भी खुशकिस्मत है जिनका प्लाट 50 लाख का हो गया हुआ है, उनके लिए क्या मसला है, वो इस बात को छोड़े, वो जाके अपना वो 27 लाख का अपार्टमेंट लें और उसमें रहें, और बाकी जो 50 लाख है उससे को और काम, 25 लाख बचेगा उससे और काम कर लें। नहीं, इसमें नागा वाला 5,600 रुपए में बना सकता है, डोंट वरी, उसमें उसमें हमने उसके लिए रख दिया। अगर आप फ्री में देंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के साथ हुआ है कि एक को आप घर दे देंगे और पीछे जो 22 करोड़ है उसके ऊपर कर्जा छोड़ देंगे, डॉलर आपका गिरता जाएगा, और फिर वही बंदा जो है वो जब टमाटर और सब्जी लेने जाएगा और वो महंगी हो जाएगी और वो कहेगा कि अब रहना मुश्किल हो गया, तो जवाब होंगे वो चंद लोग जिनको आपने फ्री की मुराद दी है, कुछ को हज कराए थे फ्री पे, कुछ को घर दिए थे, और उनकी सपोर्ट से फिर आपने लूट के तो लंदन में घर बनाए थे। तो ये तमाम चीजें, ये एक चेन है, किसी को आप हज कराते हैं फ्री में, किसी को मकान देते हैं, किसी को प्लॉट देते हैं, किसी को पेट्रोल पंप देते हैं, और उनके कंधों पे खड़े होकर बाकी लूट मार करते हैं, और वो लूट मार करके आप अपने अपार्टमेंट बनाते हैं। नागा वाले ना पहला मिले सी ना हूं मिले, उनको उत्थे रह जाएगा। ऐस काम दे विच नागा वाला अपना पसीना साड़ के 5700 रुपया दे के हो सकता घर लै सके, जेदा ना कौम दे उत्ते बोझ होएगा, ना उदे ते बोझ होएगा, उसका हक हलाल दा कर होएगा। सो जब कुछ बेहतर होने जा रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना पड़ना। आखिरी सवाल ले लीजिए। इसमें तो देखें, आपको अदालतों की भी मदद चाहिए, आपको तमाम अदारों की मदद, हमारी तो है, हम तो कहते हैं कि उसमें सूद भी लें उनसे, अगर वो 10 अरब का है तो उस 10 अरब में से क्या क्या फायदा उठाया इतने साल, वो भी पैसा लें उनसे, और वो पैसा लेके अगर यकीन करें मेरे बस में हो तो मैं तो ये जो मेरे साफी दोस्त कहते हैं तो ऐसी 1-2 मछलियां काबू आ जाए तो सारे साफी दोस्तों को आसान किस्तों में प्लॉट मिल जाएंगे, और वो हो सकता है साफियों में से एक आध मछली ऐसी मिल जाए जिन्होंने अरबों रुपए के प्लॉट लिए हो, तो ये घर की बात घर में ही निपट जाएगी। लेकिन इसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हैं, हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि ये काम किया जाए और ये काम हो, और हमारी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जो लूटा हुआ माल है उसे वापस रिसीव करके ले आए। आप सबका बहुत शुक्रिया।